तो ये जो छोटे छोटे पीस हैं ये इस मशीन के अंदर जाएंगे। ये बटन ऑन किया भैया ने, ये देखिए आराम से एक पीस डाला है, ये नींबू लगा रहे हैं और ये गया मशीन के अंदर। जैसा कि हम सब लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि साफ़ सफाई नहीं होती गन्ने के जूस में, क्योंकि सड़कों पर खुले आम गन्ने जो रखे जाते हैं। मशीन का सबसे बड़ा फायदा है कि ये बर्फ यूज नहीं करते। आप इनका यहाँ पे गन्ना देखोगे ना, आपको दिखाना, ये फ्रीजर गन्ने के रेस्ट में प्योरिटी है। हाँ जी, और मक्खी मच्छरों से बचाव है। अच्छा जी, और पीने में लगता है कि हम क्वालिटी वाली चीज पी रहे हैं। हाथ लगाओ इसको, ठंडा गन्ना है। हाँ जी, अब जो इसका जूस निकलेगा वो ठंडा निकलेगा बिना बर्फ का। हाँ जी, ठंडा होगा। मेरा पेट तो फटा हुआ है। नहीं आप पीना, मैंने अपना बनवा लिया है। ना ना ना, अरे एक ही बना दे। आपको देख के लग रहा है जूस काफी पीते हो आप। पीते हो ना? अच्छा, गाँव से हो। सो हैलो फूल लवर्स, माय नेम इज निक और आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे तो शायद ही आपने कभी देखी होगी। गन्ना, अगर गन्ने का जूस पीने के आप शौकीन हो तो आज मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाऊंगा। आपने यूजली देखा होगा हाथ से गन्ने का जूस निकलते हुए, और देखा होगा एक सड़कों पे जो गन्ने की रेड़ियां लगा रहे हैं वो जनरेटर वाली है ना। तो भैया ये एक नई शुरुआत है बिल्कुल, और सीरियसली पहली बार देख रहे हैं। ये है प्योर कैन के नाम से ये मशीन जो है। तो मैं भैया से जानना चाहता हूँ, भैया ये क्या प्रोसेस है? ये तो एक नई सी अलबात लग रही है, हमने तो कभी देखी नहीं है। इसमें क्या है कि वो सब मशीन जो है ना, जो गन्ने के जूस वाली, उसमें पूरा अलग है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, उसमें बर्फ़ डालते हैं, इसमें मेरा बर्फ़ नहीं है। अच्छा। गन्ना फ्रिज में ठंडा होता है, जूस भी आपको ठंडा मिलेगा। और एक ही बार एक गन्ना यूज होगा। ओके, एक गन्ने को एक बार यूज किया जाएगा और बस दोबारा उसको दोबारा से नहीं डाला जाएगा नहीं के अंदर। और गन्ना जो है ऑलरेडी फ्रीजर के अंदर ठंडा है, रखा हुआ है और बर्फ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, तो अभी प्रोसेस दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा गन्ने का जूस। ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है फ्रीजर के अंदर गन्ना, साफ करके बिल्कुल छोटे छोटे पीस बना रखे हैं। तो ये जो छोटे छोटे पीस हैं ये इस मशीन के अंदर जाएंगे। ये बटन ऑन किया भैया ने, ये देखिए आराम से एक पीस डाला है, ये नींबू लगा रहे हैं और ये गया मशीन के अंदर। जैसा कि हम सब लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि साफ़ सफाई नहीं होती गन्ने के जूस में, क्योंकि सड़कों पर खुले आम गन्ने जो रखे जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही प्यारी सी मशीन है, छोटी सी, सेटअप तो बहुत ही प्यारा है और एक मतलब मैं बहुत शौकीन हूँ गन्ने का जूस पीने के लिए। लेकिन मुझे सफाई का एक रहता है इशू। तो ये देखिए बनता हुआ गन्ने का जूस, एक बिल्कुल ही यूनिक मशीन है, बिल्कुल जो आपने कभी नहीं देखी होगी। वाओ सर, आपने, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, दिल्ली में आपने ऐसी मशीन कहीं और देखी है? नहीं नहीं, मैंने लास्ट वन मंथ पहले इनको यहीं पे देखा था, DDF फैक्ट्री। अच्छा। और कहीं नहीं देखा दिल्ली में, मैंने तो नहीं देखी ऐसी मशीन कहीं और, मैं बाहर से आया हूँ। नहीं नहीं, हाँ ये फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन्वर्टर है, सब कुछ इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, क्लीन है, हाइजीनिक है। अच्छा, हाँ ठंडा मिलता है और फ्रेंडली भी है, क्योंकि देखो आप गंदगी बिल्कुल भी नहीं आस पास, सब कुछ। सबसे बड़ी बात तो ये है गन्ने जो खुलेआम रखे जाते हैं, जो मिट्टी धूल पड़ती रहती है वही वाला जूस हम पी लेते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अलग कॉन्सेप्ट है, क्या बात है, लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। सही बात है सर, दो लोग तो हैं कम से कम, और सप्लाई चेन जो बार्गेन की जुड़ी हुई है वो भी है। हाथ के आगे ऑर्डर यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, कैमरा लगा हुआ है। हाँ नमक डाल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर ये जैसे अनोखी मशीन है बिल्कुल गन्ने का जूस निकालने की, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप मतलब गन्ने के जूस पीने के अगर शौकीन हो तो क्या कहना चाहोगे? इस गन्ने के रेस्ट में प्योरिटी है। हाँ जी, और मक्खी मच्छरों से बचाव है। अच्छा जी, और पीने में लगता है कि हम क्वालिटी वाली चीज़ पी रहे हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया वैरायटी है और बिगर बर्फ की है। हाँ जी, हार्मफुल भी नहीं है, हर तरीके से फायदेमंद। थैंक यू सर, मैं एक फ़ायदा पूछना चाहूँगा इस मशीन का। ये इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा है कि ये बर्फ़ यूज़ नहीं करते। आप इनका यहाँ पे गन्ना देखोगे ना, आपको दिखाना, ये फ्रीजर रखा हुआ है। हाँ जी, इसके अंदर जो गन्ना आपको ठंडा है, आप हाथ लगाओ इसको, ठंडा गन्ना है। हाँ जी, हाँ जी, अब जो इसका जूस निकलेगा वो ठंडा निकलेगा बिना बर्फ का। हाँ जी, ठंडा होगा। जैसे हम रेडी वाले देखते हैं ना, इतनी सारी बर्फ डाल देते हैं, बर्फ जो होती खराब होती है पेट के लिए। हाँ जी, तो ये मशीन से ठंडा तो जूस भी ठंडा ही निकलता है। क्या बात है सर, प्लस इसमें एक और बेनिफिट ये है कि इसका जो ग्रेडियंट डालता है ना, ये आप देख रहे हो, ये
गंदगी नहीं जाती। अच्छा जी, अब मशीन आपने देखी पूरी ये धूल से बची हुई है, कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल कवर्ड है ना, बिल्कुल। और रेट आप देखो 20 रुपए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाहर भी 20 का यहाँ भी 20 का। चलो बनाना शेक वगैरह का तो ठीक रहता है, सफाई रहती है होटल्स में या रेडी वगैरह पे, लेकिन गन्ने के जूस में बिल्कुल सफाई नहीं होती। हाँ जी, तो एक बहुत बढ़िया पहल है ना। हाँ जी, तो ऐसे ही होनी चाहिए। भैया लगा दो फिर एक जूस, तो इनका जूस ट्राई करते हैं। ये मैम भी आए हुए हैं, हेलो। एक काम करना, आज आप ही टेस्ट कर लेना, मेरा पेट तो फटा हुआ है। नहीं आप ही पीना, मैंने अपना बनवा लिया है। ना ना ना, अरे एक ही बना दे भाई। नहीं मैंने अपना बनवा लिया है। अगर एक मुझे इनका नींबू है इनको दे दूँ। तो गन्ने का जूस तो हमने बहुत पिया है, लेकिन ये कुछ अलग है, ऐसा सभी लोग बता रहे हैं। साफ़ सफाई के मामले में, टेस्ट के मामले में, जैसे हाइजीन तो है ही, लेकिन ये कह रहे हैं इसका टेस्ट भी अलग मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं इसका टेस्ट अलग है या नहीं। सर आप पहले पी चुके हो या अभी आए हो? मैं पी चुका हूँ। तो ये जैसे आपने रेडी पे कभी जूस पिया होगा अपनी लाइफ में, और इनसे पी सफाई नहीं रहता ना। हाँ जी, सफाई नहीं रहता। टेस्ट में भी कोई फर्क है? टेस्ट में फर्क है। अच्छा, ओके। ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते आंटी जी, पियोगे जूस? आ जाइए पी लीजिए। तो ट्राई किया आपने यहाँ का जूस? एक बार ट्राई जरूर करो अगर आप शौकीन हो तो। गर्मियों में ये बहुत हेल्दी है गन्ने का जूस। हाँ जी हाँ जी, तो आपको आपको देख के लग रहा है जूस काफ़ी पीते हो आप। पीते हो ना? अच्छा गांव से हो? कौन से गांव से हो? आगरा से? क्या बात है, आगरे का पेठा फिर लेके आना किसी दिन आप हमारे लिए। तो भाई जूस पीते हैं आप गन्ने का? व्रत वाले जो गाय हैं उनके लिए मग धो के फिर बनाएंगे। ओके ग्रेट। तो पहला डिफरेंस मैं बताता हूँ, गाढ़ेपन का फील आ रहा है। जैसे अभी मैं एक वीडियो बनाने गया था सर, उसमें हमने गुड़ कैसे बनता है ये दिखाया था। तो उस बंदे ने हमें बिल्कुल प्योर जैसे रस पिलाया था गन्ने का, वैसा फील आ रहा, काफ़ी गाढ़ापन, जैसे हम माजा की बोतल पीते हैं ना वैसा। अरे भाई मैडम को नाराज ना करे यार। अरे यू ना कर, वैसे नींबू तो पीना चाहिए, थोड़ा सा विटामिन सी चाहिए बॉडी को। अच्छा, ज्यादा इम्यूनिटी नहीं बनानी है ना भाई। डस्टबिन भी रखा है यहाँ पे कहीं? गाड़ी में सब चीज़ें है जी, ये रख दे यार। अच्छा वो भी देख लीजिए ना अंदर। अरे वाह यार, पीछे हो जाए थोड़ा सा, दिखा देते हैं। ये डस्टबिन भी रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है। और आई एम वेरी सरप्राइज एंड अमेज टू सी यार कैसे बंदे मतलब दिमाग लगा रहे हैं। तो जो बंदा भी कुछ इन्वेंट करता है, कुछ नया सोचता है, मैं तो काफ़ी इम्प्रेस होता हूँ उन लोगों से। तो ये पीछे जवान खड़े, आ जाए इधर भाई, कुछ ना कुछ आइडिया सोचा करो, ठीक है? सारा दिन वो फ़ोन मत चलाया करो, इंस्टाग्राम वो वगैरह, ठीक है? वीडियो देखा करो काम की, जैसे हम बना रहे हैं ना ये। तो इंस्पायर हो ना इस वीडियो के बाद, ठीक है? कुछ सोचो, ये गन्ने का जूस है, तुम किसी और कोई दिमाग लगाओ, किस चीज़ में इंटरेस्ट है अपना? गाड़ियों में, ठीक है। फिर कोई बना कोई ऐसी गाड़ी जिसमें पेट्रोल ना लगता हो, जो बिना पेट्रोल के चले, पानी से चलेगी फिर पानी। अरे अंकल जी कौन से देश से आ रहे हो आप? अरे बीच में एड ब्रेक आ गई, चलो कोई बात नहीं, बीच में पूरे महफिल चल रही है। तो आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। ये बिना पेट्रोल की? अरे हाँ यार।
नहीं ना बिजली लगे ना पानी लगे, कुछ नहीं लगना चाहिए। कुछ चाहिए? हाँ बिजली लग रहा है ना, चार्ज हो रहा है तो बिजली लग रहा है। ये मतलब बढ़िया है यार। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू। भाई डब्बा सा लेके, मैं सोचा कुछ खिलाने आ रहा है, मैं सोचा जन्मदिन है तेरा यार, कोई केक कुक लेके आ रहा है मेरे लिए। पकड़ी हुई बता दे, मेरे मुँह में दही डाला हुआ है, बता दे।